मेरा मेरा साथ रहे में गोपिका सीखेगी इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जानबूझकर प्रिया ने ऐसी वेंटेज में कुछ ऐसी स्प्रे कर दी है, पेपरमिंट की जगह कुछ और ही डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पूरे घर वालों की हालत खराब हो जाती है। कैसे देसी गोपिका डॉक्टर को यहाँ पर लेकर आती है और सबकी जान बचाती है, तो वहीं पर सक्षम को एहसास हो जाता है और उसे मोबाइल पहले तो बंद कर देती है प्रिया, लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है और उसको दिल घबरा रहा होता है और वो सोचता है कि घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई, इतने सारे मिस कॉल्स हैं। और वो वापस घर पहुंचता है जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि आज तो गोपिका की वजह से ही यह सबकी जान बची है, आपकी बहुत ही समझदार बहू मिली है। लेकिन उसके बाद नहीं, प्रिया कहती है कि ऐसी से कैसे सबको प्रॉब्लम हो सकती है और वो फिर जानबूझकर उस दोनों ही एक तरह की पेपरमिंट्स की बोतल्स होती है जो कि अब यहाँ पर कुछ अलग तरह का केमिकल छिड़क दिया है प्रिया ने और नाम लगा दिया है गोपिका पर और उसे पढ़ना नहीं आता। और इस बात पर सक्षम काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सब घर वाले भी बहुत बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं और सभी को लगता है कि शायद गलतफहमी हो गई है। लेकिन मिथिला को पता चल चुका है कि ये सब कुछ किया धरा तो प्रिया का ही है। लेकिन अब गोपिका ठान लेती है कि वो इंग्लिश सीखेगी और इसमें चिराग ही उसकी मदद करते दिखेगा और गोपिका अब इंग्लिश सीखने की कोशिश करेगी और अब धीरे धीरे अपने आप को बदलने की कोशिश करेगी जिससे कि वो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम उसे खड़ी ना हो। अब देखते हैं कि इसके बाद में वो प्रिया को कैसे सबक सिखाती है मिथिला।